हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर इस टाइप का फोटो एडिटिंग येलो ऑरेंज टोन फोटो एडिटिंग किस तरह से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको कोई भी बातचीत करना है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको स्नैपशीट एप्लीकेशन पर इस फोटो को, पहले वाला फोटो को आपको ओपन कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, तो इस टूल का ऑप्शन पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, टून इमेज पर जाना है फ्रेंड्स। इसका ब्राइटनेस ठीक है, तो इसका ब्राइटनेस आपका कम रहेगा तो हाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एम्बिएंस पर जाना है फ्रेंड्स, इसका एम्बिएंस को आपको थोड़ा हाई कर देना है। हाई करने के बाद डन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा चमक आ चुका है, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट टूल टूल पर जाना है फ्रेंड्स। सेलेक्ट टूल टूल पर जाने के बाद थोड़ा वगैरह जहाँ जहाँ ठीक फ्रेंड्स काला धब्बा दाग है, ब्राइटनेस कम है, तो वहाँ वहाँ इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर परफेक्टली ये फोटो है, ठीक है। तो कहीं थोड़ा कम नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं यूज करने वाला हूँ फ्रेंड्स, आपका है तो आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको आना है टूल कंटेंट पर फ्रेंड्स। टूल कंटेंट को यहाँ पर आपको 50 करीब रख देना है। 50 करीब रखने के बाद फ्रेंड्स डन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप इस फोटो को बिफोर और आफ्टर देखेंगे फ्रेंड्स, ये हुआ बिफोर, ये हुआ आफ्टर। तो इस फोटो को आपको शेयर करके फ्रेंड्स लाइटरूम एप्लीकेशन पर ओपन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं लाइटरूम एप्लीकेशन पर ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस फोटो को यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन पर ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स डन, आपको लाइट का ऑप्शन पर जाना है फ्रेंड्स। कंट्रास्ट को आपको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। कंट्रास्ट को कम करने के बाद हाईलाइट को पूरा 100 कर देना, कम कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। शैडो को आपको हाई कर देना फ्रेंड्स 50 का करीब। वाइट को आपको थोड़ा बढ़ा देना है फ्रेंड्स, 20 करीब, 20 या 25 रख देना है फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड। ब्लैक को आपको कम कर देना है, ठीक फ्रेंड। तो देख लीजिए किस तरह से मैंने किया फ्रेंड। तो कलर का ऑप्शन पर जाना है, इसको वाइटनेस को आपको 12 कर देना है। मिक्स टूल पर जाना है फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड। मिक्स टूल पर आपको क्लिक कर देना है। मिक्स टूल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड इस कलर को आपको यहाँ से 20 करीब रख देना है, 20 या 15 कर देना है, ठीक फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, 20 करने के बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक फ्रेंड्स, 6 या कर देना है फ्रेंड्स। तो इस कलर पर आना है फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, येलो कलर पर। इसका हार्डनेस को ठीक फ्रेंड्स सिग्नेचर को कम करना है फ्रेंड्स। सिग्नेचर को कम करने के बाद लूनियंस को हाई कर देना है, ठीक फ्रेंड्स। तो लूनियंस को आपको ठीक फ्रेंड्स 50 के करीब रख देना है, ठीक फ्रेंड। आप जितना मर्जी रख सकते हैं, ठीक फ्रेंड। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ठीक फ्रेंड्स, तो ये कलर मिल रहा है येलो, ठीक फ्रेंड, येलो कलर मिल रहा है। तो ठीक फ्रेंड्स, इसको भी आपको हाई कर देना है, ठीक फ्रेंड। यहाँ पर लगभग 16 करीब रख देना है। इतना रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस बैकग्राउंड का कलर को मैच कराना है, येलो करना है। तो येलो करने के लिए फ्रेंड्स हाउनेस को पूरा कम कर देना है फ्रेंड्स। हाउनेस को कम करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक फ्रेंड्स, तो इस ग्रीन कलर पर आना है, ठीक फ्रेंड्स। ग्रीन को हाउनेस को पूरा कम कर देना है। कम करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि येलो कलर पूरा हो चुका है, ठीक फ्रेंड। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स इस कलर पर आना है, शुरुआत का लूनियंस को हाई कर देना है, क्यों ठीक फ्रेंड। तो जहाँ जहाँ कलर कम है वहाँ वहाँ ठीक फ्रेंड, तो वहाँ वहाँ इस लूनियंस को काम आएगा, ठीक फ्रेंड। तो इतना कर देना है फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह का कलर चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं करूँगा, थोड़ा कर देता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा चेंजेस, ठीक फ्रेंड। तो ये कलर पर आना है, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक फ्रेंड। तो इसको नहीं करेंगे छेड़खानी, ठीक फ्रेंड्स। ये कलर शर्ट का कलर है, ठीक फ्रेंड। तो इसको थोड़ा हाई कर देना, हाई करने के बाद डन पर क्लिक कर देना। इतना इस पर काम करने के बाद फ्रेंड्स इस पर आना है, टिक टैक्स को यहाँ पर आपको 33 करीब रख देना है, ठीक फ्रेंड्स, 33 या 30 रख देना है। कैलेट्री को आपको यहाँ पर 20 या 25, 20 रख देना है, ठीक फ्रेंड। इतना रखना होगा। डी न्यूज को आपको 5 या 6 कर देना है। बिगनेट को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ठीक फ्रेंड्स, बिगनेट को आपको यहाँ पर 15 या 16 कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आना है फ्रेंड्स, सी रेंज पर आना है फ्रेंड्स। इसको यहाँ पर आपको ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 40 या 45 करीब रख देना है, ठीक फ्रेंड्स। नोनियंस को आना है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर
30 कर देना है नूनियंस को, ठीक फ्रेंड्स। कंटास को आपको यहाँ से 30 कर देना है, ठीक फ्रेंड्स, कंटास को, ठीक फ्रेंड्स। कलर नॉइस को, रिडिट को यहाँ पर आपको 30 कर देना है, ठीक फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से ये सेटिंग देख लीजिए फ्रेंड्स। आप लोग मेरा स्टेप को फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप मेरा तरह एडिट कर पाइएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो मैं आप सबको बहुत ही इजी स्टेप पर बताता हूँ, ठीक फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डिटेल को 100 कर देना है फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। स्मूथ को फुल कर देना है 100, ठीक फ्रेंड्स। तो आपको लाइटरूम एप्लीकेशन यूज करने के लिए नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक फ्रेंड्स। तो इसको पूरा 100 कर देना फ्रेंड्स, इस पर आना फ्रेंड्स, इसको दोनों को इनेबल कर देना है, ठीक फ्रेंड्स। तो दोनों आपका ऑफ रहेगा, ठीक फ्रेंड्स। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप इस फोटो को बिफोर और आफ्टर देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हुआ बिफोर, ये हुआ आफ्टर, ठीक फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ऑरेंज टून आ चुका है। तो इस फोटो को आपको शेयर करके फ्रेंड्स, या सेव या शेयर करके इस फोटो को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन पे ओपन कर लेना है फेस स्मूथ करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स इस फोटो को मैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन पर ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इस टूल का ऑप्शन पर आना है फ्रेंड्स, लेवरिंग, ठीक फ्रेंड्स। तो इस पर आने के बाद फ्रेंड्स इस टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना, 13 नंबर पर मिल जाएगा स्मूथ का, ठीक फ्रेंड्स। तो इसको इतना इस पर क्लिक कर देना इस टूल पर, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका सेटिंग पर जाना है फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। तो इतना आपको सेटिंग कर देना है, ठीक फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप सभी को पता जरूर होगा इतना कर देना, ठीक फ्रेंड्स। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस फोटो को इस तरह से जूम करके, ठीक फ्रेंड्स, जूम अबाउट करके आपको इसको अच्छे तरह से स्मूथ करना है, ठीक फ्रेंड्स। तो जैसे कि देख पा रहे हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो आपको अच्छे तरह से स्मूथ कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं अच्छे तरह से इस फोटो को स्मूथ कर लिया हूँ फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छे तरह से कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, ठीक फ्रेंड्स। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मनोज देखा फोटो किस तरह से गजब का लुक लगने लगा। तो फ्रेंड्स ये मनोज देखा आप भी फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।